प्री मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लगते ही तापमान का ब्रेक एक बार फिर से फेल हो गया है। 25 मई को बिहार के 20 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। हालांकि चक्रवातीय तूफान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आंधी बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार चक्रवातीय तूफान आज मध्य रात्रि तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकराने और पार करने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक बिहार में पूर्वी हवा का बहाव जारी रहने की संभावना है। इस वजह से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश नहीं होगी वहां का तापमान अधिक रहेगा। चक्रवातीय तूफान 26 मई के मध्य रात्रि तक बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों के को पार करने का पूर्वानुमान है। मानसून की प्रगति की बात है, कल उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गई थी क्योंकि चक्रवात के कारण ऊर्जा अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। उम्मीद है कि मानसून अपने प्रगति समान गति में रखेगा। आने वाले दिनों में तूफान आगे बढ़ने के साथ मानसून प्रगति करता रहेगा। अभी बिहार में पूर्वी हवाएं चल रही है, अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। जब चक्रवात पूरी तरह खत्म हो जाएगी उसके बाद हवा के प्रभाव में परिवर्तन होगा। आनी पूर्वी हवा न होकर दक्षिणी पश्चिमी हवा बिहार के दक्षिण भाग पर आना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी हवा आने से वायुमंडल में नमी की मात्रा में कमी होना शुरू हो जाएगा। उमस वाली गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन तापमान में पुनः बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस तूफान बिहार में कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। आज 26 मई को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में हॉट डे रहने की संभावना है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं है। 25 मई को एक बार फिर से बिहारवासियों को गर्मी का एहसास हुआ। राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। इस दिन 20 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं अररिया के फारबिसगंज में भीषण लू भी दर्ज किया गया। टॉप 5 गर्म जिलों की बात करें तो बक्सर के बाद वैशाली में 43.7 डिग्री सेल्सियस, गोपालगंज में 42.9 डिग्री सेल्सियस, डेहरी में 42.8 डिग्री सेल्सियस, अरवल और भोजपुर में 42.7 डिग्री सेल्सियस और औरंगाबाद में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी इन जिलों का यही हाल रहने की संभावना है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।